खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले से आ रही है, जहां दबंगों ने पत्रकार के साथ मारपीट करने के बाद जान से खत्म करने की धमकी दी है। घटना 16/1/23 की रात्रि के लगभग 9:30 बजे की बताई जाती है। फरियादी पत्रकार अतेंद कुशवाहा रिपोर्टिंग करके मटेहना से पैदल बाईपास से अपने घर जा रहे थे, तभी चक्रमुरार के पास संजय विश्वकर्मा पिता राम भरोसे विश्वकर्मा ने आंखों में टॉर्च की रोशनी मारकर चकाचौंध कर दिया। फरियादी द्वारा पूछा गया कि यह क्या कर रहे हैं, तभी संजय विश्वकर्मा उर्फ लाल शिखर सिंह आक्रोशित हो गए। फरियादी ने बताया कि वह पत्रकार हैं और यहीं का निवास है, अपना नाम भी बताया, लेकिन दबंगों के द्वारा मारपीट की जाने लगी और दारू पीने के लिए पैसों की मांग की जा रही थी। उसी समय पत्रकार के घर से फोन आया तो फरियादी ने अपने पिता को बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है, तो आरोपियों ने मोबाइल छुड़ाने की कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं पाए और मारते रहे। कुछ समय में माता पिता मौके पर पहुंचे तो कुछ अन्य लोग भी आरोपियों की तरफ से आकर उनकी मां के साथ भी मारपीट किया और धमकी देते हुए भाग निकले हैं। पीड़ित थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। आपके साथ क्या घटना घटी है कि आप थाने आए हैं? मैं एक पत्रकार हूं, मेरा नाम है अतेंद्र कुशवाहा है। मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं रिपोर्टिंग करके मैं घर जा रहा था, तो मेरे घर से 300 मीटर दूर मेरे आंख में लाइट पहले दिखा दिया गया टॉर्च। अपराधी जो पता नहीं कौन से व्यक्ति थे, उनको पास में जाने से मेरी पहचान हुई थी, मेरे को आंख में चकाचौंध कर दिए टॉर्च मार के। फिर उसके बाद मैं जब पास में गया तो मैं कहा क्यों टॉर्च मार रहे हो भाई, कौन हो भाई, क्या है, क्यों मार रहे हो? तो फिर वो क्या किया है, मेरे से झापड़ मार के मेरे से दारू पैसा मांग रहा, दारू पीने के लिए पैसा मांग रहे थे। तो आपका क्या घटना घटी वहाँ पास? मेरे से यही दारू पीने के लिए पैसा मांगे, पैसा मांगने के बाद जब मैं पैसा नहीं दिया, बोले तू पत्रकारिता तेरे गांड में डाल दूंगा, पत्रकारिता तेरे गांड में डाल दूंगी, ये बोल रहे थे दबंग जो थे, बोल रहे थे मेरे तेरे पत्रकारिता तेरे गांड में डाल दूंगा, तेरी कोई सुनवाई नहीं, तू क्या बहुत पत्रकारिता, कौन तुमको सिखाया पत्रकारिता करता, कौन सिखाया तुमको? अब मेरे को झापड़ मारे यहाँ पास, कई जगह झापड़ मारे, लाती घूसे से भी किए हैं, हमारे यहाँ पास कान में भी चोट आई है और ये कान में आज जावड़ा अंदर जावड़ा के अंदर फट गया है, आइए मेरी ये पूरा फट गया, ये पूरा फट गया अंदर, सूर्य उठा पूरा फट गया, सब फेंकर गया था। और उसके बाद मेरे को फोन मारते रहे, तो मेरा फ़ोन स्क्रीन टच है, मेरे फ़ोन मेरे पापा को उतने समय आ गया। लगभग ये घटना है आपकी 9:45 की घटना है, 9:45 की घटना है। मैं जा रहा था, मैं घर जा रहा था बाईपास से, मुरार पास घटना हुई है मेरे साथ, मेरे को मारा गया है, लात घूसों से भी मारा गया है। घटना हुई है, हम लड़के को फोन लगाए नहीं होता पापा, तो फोन से वो बोली थी कि हमें मार रहे हैं, यहाँ बाईपास में मारा थे, जब उन्होंने पहले मारे तो वो मारा थे, तो दौड़त हम बाप पहले आ गया कि दौड़त आए पाँचे हम दौड़त आन हैं, तो हम जब पकड़े लागन हैं तो हम पकड़ के सब मुरिहाए नहीं, मुरिहा पटकत रहे हैं, पटकी नहीं खासा जोर से पटकी नहीं, हम बेहोश हो गया, जब मारत रहे घूसा घूसा तमान है, बेहोश हो गया ना। कितने आदमी थे? वो 4-5 आदमी, तो मतलब हमें पकड़े के मारी से अठन है, हमें मारी से कोई सुनने वाला नहीं, कोई मेरा कोई सुन नहीं रहा, मैं आज अकेले माता राम के साथ आया, कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा। आपके साथ क्या हुआ है? मुझे मारा गया है, मैं पत्रकार हूँ, मैं पब्लिक ऐप में मैं चला पब्लिक ऐप का पत्रकार, प्लस मेरे पास 2 चैनल का मैं पत्रकार हूँ। मुझे रिपोर्टिंग करते समय मैं गया, रिपोर्टिंग करने मटेना गया था, मटेना से मैं आया, रिपोर्टिंग करते आ रहा था, तो मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति था, अज्ञात व्यक्ति था, उसको मैंने पहचान नहीं जानता था, वो व्यक्ति पहले मेरे को दूर से मैं पहचान नहीं पाया, उसने लाइट मारा मेरी आँख में, मेरे आँख में लाइट मारा, दोनों आँखें में चकाचौंध हो गया। फिर उसके बाद जब मैं उनके उस मतलब पास में उसके पहुँचा, वो मेरे पास आया, तो उसने क्या किया कि मेरे से फिर बहस करने लगा, मैं उससे पूछा भी। तो क्या पूछे हैं आप? मैं पूछा कि मतलब यहाँ पास आप क्या कर रहे हैं, तो क्या जवाब दिया? वो जवाब दिया कि मैं यहाँ पास टॉर्च देख रहा हूँ, ये लड़की वगैरह सब देख रहा हूँ, ये आते हैं ऐसे वैसे वाले सब आते हैं, मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पास गई ये देख रहा हूँ,
चोरी हो जाती है। तो मैं बताया कि मैं यहीं का निवासी हूँ, मैं यहाँ रिपोर्टिंग करके मैं भी आया हूँ, मैं पत्रकार हूँ। अब वो व्यक्ति को मैं पास में देखा तो मैं पास में देखे कर वो व्यक्ति को पहचान भी गया, मुँह बांधा था व्यक्ति को पहचान गया। और उसके बाद भी वो एक व्यक्ति को बुलाया, वो व्यक्ति आया, उसका नाम है शिखर सिंह। वो व्यक्ति आके मेरे को मारा, झापड़ मार रहा था, यहाँ पर पूरा झापड़ मारा है, पूरा ये सब फाड़ दिया, ये सब फाड़ दिया है। और उसके बाद जब मारते मारते हो गए तो बीच में मेरे माता पिता फ़ोन लगाए, माता पिता फ़ोन हमारे हमेशा लगाते हैं, इसलिए लगाते करते हैं कि मैं पत्रकार का काम कर रहा हूँ, उनको डर बनी रहती है कि अगर कुछ हो जाएगा इनके साथ तो मतलब क्षेत्र में रहता है। ठीक है, तो कल ज़्यादा टाइम हो गया था, 8 बजे के पहले मैं घर के अंदर नहीं जाता हूँ, तो मेरे माता पिता फ़ोन लगाते मेरे को कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, इसलिए मैं चला गया था। अभी आप फिर उसके बाद क्या हुआ है कि फ़ोन आ रहा था माता पापा जी का, तब फ़ोन आया तो फ़ोन में उठाया तो पापा जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात, फ़ोन इसी तरह करके ऐसे उठा के जल्दी जल्दी तेज आवाज़ में बोल दिया हूँ, और वो मार रहा था, झापड़ मार रहा था। क्या है कि दो लोग थे उसी समय जब झापड़ मार रहे थे। फिर उसके बाद जब मारते मारते जब मेरे माता पिता वहाँ से 300 मीटर से दौड़ते आए हैं बिना चप्पल के, तो उसके पीछे पीछे एक गाड़ी चार पहिया आई, चार पहिया में तीन लोग बैठे थे, तीनों लोग उतर के फिर माता पिता के साथ मेरे को मारे, और मम्मी को मेरे मारते मारते लात घूंचो जब मम्मी को मार कर रहे थे, वो शेखर है क्या नाम है उसका, प्रखर सिंह, वो मार रहा था, जूतों से मारा है उसको, बेहोश हो गई मेरी मम्मी, वहाँ पर गई बेहोश हो गई, तो फिर भी नहीं शांत हो रहे थे। जब जाकर ये मतलब अच्छे से वो हो गई, मैं बोलने लगा मम्मी मेरी मर जाएगी, इसलिए फिर छोड़े हैं। जाके नल से दौड़ते गया हूँ, नल में गया, पानी भर के ले आया हूँ, दिया हूँ पानी, जब जाके ठीक हुआ। आज मैं रात भर मेरे को बंधक बना के घर के अंदर रखा गया, मुझे रिपोर्ट करने के लिए मना कर दिया, मैं कई जगह पर फ़ोन भी लगाया हूँ, यहाँ थानों में लगाया फ़ोन लगाया हूँ, कई अधिकारी को, बड़े बड़े अधिकारी को फ़ोन लगाया, कोई फ़ोन नहीं उठाया मेरा, कोई भी फ़ोन नहीं उठाया ना यहाँ पास।